अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करता हूँ। जब हम सो के सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पे एक नया स्टाइल होता है। तो आज आप स्टाइल देख सकते हैं, नया स्टाइल। और ये एक ऐसा यूनिक स्टाइल होता है कि जो दुनिया का कोई जो हेयर ड्रेसर है किसी सैलून में आप ऐसा स्टाइल नहीं बना सकते। तो खैर, इसी एक मजा तंस के साथ आज का हमने ब्लॉग शुरू किया है। और आज क्या होगा नाश्ते में देखना ये होगा कि किस प्रकार का नाश्ता। रात की डिस्कशन जो थी हमारी थोड़ी क्रिकेट पर रही थी, तो मजीद चर्चा करेंगे अपने को होस्ट सौरभ के साथ आज की इस महामुकाबले पर जो होने जा रहा है कराची के नेशनल स्टेडियम में, और 17 दिसंबर से इसका आगाज हो रहा है। इस पर जरूर चर्चा करेंगे किस सिलेक्शन के साथ जाना चाहिए, किस टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे और मजीद कोई अगर आपको हमसे जो रिएक्शन वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, और देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है। और ब्लर हो रहा है काफी। नाश्ते की तैयारियां जारी हैं जोरों शोर से। मिनी पराठा, मिनी पराठा चाहिए मुझे, जंबो चाहिए। ये जंबो, ये मिनी जंबो पराठा चाहिए, और तीन चार चाहिए कम से कम। तो ये रहा मैं पराठा, और ये रहे दो आमलेट, और ये नन्ना पराठा, ठीक है। और ये ब्रेड और बन रहा, और अभी चाय बन रही है। ये आधा नाश्ता है, मुझे भूख बहुत लग रही थी, मैंने इसलिए जो है वो इतना ही दिखा दिया। तो नाश्ता जो है हमने कर लिया। लाजमी नहीं है कि कोई आप जो है ना पॉलिटिक्स का पूछे, आप एजुकेशन से पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स से पूछ सकते हैं। नाश्ता तो बताएं आपका, से पूछ सकते हैं जो कि मुझे कुछ नहीं पता। आपका से पूछे क्या हो रहा है आजकल, आपका नाश्ता कैसा रहा? नाश्ता बहुत बढ़िया था, बहुत स्वादिष्ट था, और जिस प्रकार से तुमने परोसा है मुझे वो काफी अप्रिशिएबल। और इसी तरह बगैर बोले पराठे बनाती रहो, सही बात। बस मेरे चेहरे की मुस्कान, आपको स्माइल, आपको सब बता सकती है, पूछने की जरूरत नहीं कि नाश्ता कितना स्वादिष्ट है। ओके, हम समझ गए। गुड, माय फेवरेट पर्सनालिटी, ये भी वो, यस दो द पर्सनालिटी आई लाइक मोस्ट, तीन ऐसे हो। मतलब कितने बदल बदल के एक ही ऐसे का पूछ रहे हो। अरे एक ऐसे ही, माय एम इन लाइफ, माय एम्बिशन, द प्रोफेशन आई लाइक मोस्ट, इतने ही ऐसे जरूरी बातें चलनी है यहाँ पे। अब देखो कैसे असल में नहीं आता। बहुत ही ब्लर है भाई, बहुत ही सेलिब्रेशन, पाकिस्तान डे, एक यस, स्टूडेंट की क्लास हो रही है यहाँ पे, और सर फहीम, सर मोहम्मद फहीम पिटी वाला पूरा नाम है। तो यहाँ पे जो है ना दिन, अच्छा एक एक सवाल हमारी ऑडियंस से, अगर वैसे तो कोई कमेंट करता ही नहीं, किसी को तौफीक ही नहीं होती भाई, बहुत ब्लर हो रहा है। अगर कोई बताना चाहे तो बताए, आप पूरे ब्लर हुए हैं। एक हमारी कम्युनिटी है मेमन, उनकी कास्ट होती है ये पेटी वाला, चाय वाला, ये मतलब वाला वाला क्या है ये, मतलब समझ नहीं आता मुझे कैसी कास्ट है, बहुत होती है वाला कास्ट। देखो जितनी मैंने पेटी वाला सुनी है, मैंने चाय वाला सुनी है, और नैनीताल वाला, और बहुत सारी है भाई, बहुत सारी। चलो वो देखेंगे तो आपको बताएंगे। हाँ, ये क्यों होती है, अबे नहीं होती। सो फहीम जो है वो जा रहे हैं, और अब हमसे रात को मिलेंगे किसी टाइम किस चैनल पे, किसी कितने बजे ये माने दो, कितने बजे अगर वो काम नहीं हो तो 9 बजे फहीम हमसे मिलेंगे, अभी जा रहे हैं। सी यू गाइस वेरी सून इंशाल्लाह। ओके, ये जो है सूप रखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, बराबर वालों ने दिया है। ये देखें इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है, पता नहीं कैसा होगा। तो यहाँ पे जो है वो हम अपने सालन गरम कर रहे हैं जी, और ये दूध पक रहा है। फहीम भी आने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, ये आप देख सकते हैं अंदर, और ये फहीम की बिरयानी है। दूध जो है वो किसी वक्त भी ऊपर आ सकता है। तो ये चावल है कल के फ्राइड राइस, और ये हमारा शाश्लिक है, और ये दाल है, और उसमें जो है वो आलू गर्म हो गए हैं। इस वक्त जो है सिर्फ मेरी दूध पे नज़र है, तो इसमें से जो है वो हम आलू निकाल लेते हैं, हमारे आलू गर्म हो गए।
और ये डाल देते हैं इस, फिर जब फहीम आएंगे तो फिर हम वीडियो दोबारा बनाएंगे। फहीम आ चुके हैं, टंटड़ें अच्छा लग रहा है, टंटड़ें टंटड़ें। तो अब हम खाना लगाएंगे और खाने में आज कुछ भी नहीं पक्का, जो था वही है। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो लाइट जो है वो हमारी आ चुकी है, बिल्कुल अभी अभी आई है। और ये हमने रोल बनाया, ये फाइन रोल बनाया, मैं अंडा पका के लाई थी। कौन सा रोल? छोटा। सही है। तो आज खाने में है बिरयानी सबसे पहले। पहले ले लो। इसमें क्या है? ये है अम्मी ने पकाया है भिंडी गोश्त, हाँ वो छोटा फ्री है। और इसमें है दाल जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और इसमें हमारा कलका ये आलू, इसमें चावल, और वहाँ पे फ्रूट रखा हुआ है बोरा, और वहाँ पे खाला दूध पका रही है। और या फिर खाना खा रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं खा रहे उस पर। तो अब जो है वो हम खाएंगे खरबूजे को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलन। वाटरमेलन? नहीं, वाटरमेलन तो उसको बोलते हैं, तरबूज को। ये खाली मेलन है। ये खाली मेलन होता है, मेले लोग खाते हैं। कोई नहीं, अमीर लोग भी खाते हैं, आपको क्या हो गया? सस्ता गरीबों का फ्रूट है रमजानों के अंदर, ये भी 100 रुपए की। इसकी इसमें से जो खुशबू आती है ना, है आपने फिर वही किया, कैसे करते? अच्छा मैं बोल रही थी इसमें से जो खुशबू आती है ना, उससे आपको वो याद नहीं आते रमजान? हाँ ऐसे खुशबू आती है, नशा करने लगता है रमजान का। हाँ और फिर आवाज करते आवाज आती है अल्लाह। नहीं वो जो सेरेमनी उठाने के लिए आता है, क्या बोलता है वो? जाग जाओ बेहतर है। तो अल्लाह करे भाई, इससे पहले जो हमने खाया था वो फीका था, ये फीका ना हो, मीठा हो, एकदम मीठा। वैसे मीठा ये भी नहीं होगा, मीठा मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा, मीठा अलग ही होता है। अच्छा हम इसको जो है ना वो खा के देखते हैं कि ये फीका या मीठा है। शायद मीठा है। हैं? हाँ। बाद में मामी के बाद आ गई, थोड़ा सा मेहंदी भी रख लो। पहले वाले से मीठा है। हम तो नहीं रखेंगे, अगर आप देर में आओगे तो। So, सब छोड़े, आप सिर्फ कुमाइल का कलर देखें। वाओ क्या कलर है। आए, आए, फाइन के मुंह में पानी आता जा रहा है, ये देखें बकायदा। निकालेंगे कैसे? मैं तो ये बोल रही हूं चमचे से ही निकालें, और खोला इसको मैंने। वाह मलाई, एकदम मलाई। और निकालना बनती है आपकी। तो इस वक्त जो है वो रात के 3:05 हो रहे हैं, और फहीम जो है वो ब्रश करने जा रहे हैं। तो फहीम तो ख़त्म नहीं कर रहा, तो मैं ही ख़त्म कर देती। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।